तो भाई लोग, जो टीएनपीएल 2023 का मैच नंबर 27 है ना, इस मैच में सिक्किम मदुरई पैंथर के सामने आईडी त्रिपुर तमीज झाम्स होगा। अगर हम यहाँ पे सिक्किम मदुरई पैंथर्स की बात करें तो अपने खेले गए 6 मैच में 3 मैच जीता, 3 मैच हारा। अगर इनको क्वालिफाई करना है तो बचे हुए दोनों मैच जीत जाए, सीधे सीधे क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर ये एक मैच जीतते एक मैच हारते तो इनके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर दोनों मैच हार गए तो भैया ये बाहर हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें आईडी त्रिपुर तमीज झाम्स की, तो इनको बचे हुए अपने दोनों ही मैच इतने हैं अगर क्वालिफाई करना। अगर एक भी मैच हार गए तो ये बाहर हो जाएंगे। तो आईडीएम त्रिपुर तमीज झाम्स के लिए ना करो या मरो वाला मैच है, क्योंकि यहां से हारे तो किस्सा खत्म। वहीं मदुरई पैंथर्स की बात करते, इनको भी पता, अगर ये हारे तो ये भी बाहर तो नहीं हो जाएंगे लेकिन मुश्किल में फंस जाएंगे। तो मुश्किल में कौन फंसना चाहेगा, सीधे सीधे क्वालिफाई करना चाहेगा ना। तो दोनों टीमें इस मैच को हर हार में जीतना चाहेंगी। क्यों? क्योंकि क्वालिफाई करना है टीएनपीएल के क्वालिफायर्स में। तो भैया, लेकिन आपको पता ना, कोई एक जीतेगा एक हारेगा। वैसे अगर हम इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें, अभी तक 6 बार आमना सामना हुआ, जिसमें से 4 मैच सिक्किम मदुरई पैंथर्स ने जीता और 2 मैच जीता आईडीएम त्रिपुर तमीज झाम्स। यानी जो आईडीएम त्रिपुर तमीज झाम्स की टीम है ना, वो हमेशा मदुरई पैंथर्स से पिछड़ जाती है, मैचेस ज्यादा हारती है। तो मदुरई पैंथर्स चाहेगा ना कि भैया फिर से मैदान फतेह करते हो और प्ले ऑफ में क्वालिफाई करके अपनी जगह पक्की कर लेते हैं। वहीं दोस्तों, बात करें आईडीएम त्रिपुर तमीज झाम्स की, तो बोलेगा भैया अच्छा, बस हम तो यहाँ पे झक मराने आए हैं, तुम प्ले ऑफ में क्वालिफाई करोगे, बस हम तालियां बजाते रहेंगे, हम भी यहाँ पे जान लगाने आए हैं, जो उम्मीद बची है ना उस उम्मीद को बरकरार करने आए हैं। तो कौन सी टीम यह मैच जीतेगी, चलो एनालिसिस करते हैं और जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले यार, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूं और कोई हीरो या सेलिब्रिटी तो हूं नहीं, मैं तो आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें। करना क्या, कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना कर सकते हैं ना। और साथ में मेरा टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको पता है टीएनपीएल के अलावा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर चल रहा है, टी20 ब्लास्ट चल रहा है, मेजर लीग क्रिकेट 2023 ये भी स्टार्ट होने वाली है। तो इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन कहां पे मिलेगी, मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो जरूर ज्वाइन करें, बस एक ही चीज का ध्यान देना है, फेक से बचना है, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिया, इसलिए इधर उधर और कैसे ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है, वहां पे जो लिंक मिलेगी, बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग, ये जो मैच है ना, इंडियन सीमेंट कंपनी ग्राउंड तुरुनबेली में खेला जाएगा। इससे पहले यहां के मैदान पे टीएनपीएल के 58 मैच खेलेगा, जिसमें से टारगेट डिफेंड हुआ 27 मैच में, टारगेट चेज हुआ 29 मैच में, 2 मैच में टारगेट टाइरा। मतलब यहां के मैदान पे चेज और डिफेंड की जो कहानी है ना, वो बिल्कुल बराबरी के, 29 मैच में टारगेट चेज, 27 मैच में टारगेट डिफेंड, है ना बिल्कुल बराबरी का। एवरेज स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 162, 162 रन। टारगेट चेज की बात करें तो 154, 154 के नीचे स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 170, 170 प्लस स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 154 से 170 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना जो मामला है ना, ये तो बराबरी का आ गया। चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग, यहाँ का जो सरफेस है ना, वो भी ड्राई एंड हार्ड है, इसलिए शुरू में जब तक बॉल नया होता है बैट पे अच्छा आता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बॉल पुराना होता है, पिच यूज होता है, तो जो बॉल होता है ना वो बैट पे रुक कर आता है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। जो स्पिनर्स गेंदबाज है उनको घुमाव भी मिलता है, बॉल ऊपर नीचे भी रहती है, बैट पे रुक कर भी आता है। जो तेज़ गेंदबाज थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं, नकल बॉल स्लोवर का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है यहाँ की पिच। और बाउंड्री लेंथ भी मीडियम है, इसलिए जो मैच होता है ना, ज़्यादातर आपको यहाँ पे मीडियम स्कोरिंग या फिर लो स्कोरिंग देखने को मिलता है। हाई स्कोरिंग तो बस कभी कभी हो जाता है। तो आज के मैच में जो पावर प्ले का स्कोर है आपको 47 से 52 के बीच में देखने को मिल सकता है। 20 ओवर स्कोर की बात करें तो आपको 155 से 170 के बीच में, मतलब आज का जो मैच है थोड़ा सा मीडियम स्कोरिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ के मैदान पर कौन सी टीम बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी और जीत का झंडा गाड़ेगी, चलो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सिक्किम मदुरई पैंथर्स की। तो भाई लोग, जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है ना, हम इनको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि सुरेश लुक्केश्वर 2-3 मैचों में बढ़िया शुरुआत करी और जगदीशन कौशिक की बात करें तो बस एक मैच में बढ़िया पारी खेली थी, बाकी सभी मैचों में फ्लॉप, अच्छी पारी ना खेल पाए। तो मतलब जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है, कभी खुशी कभी गम वाली है। लेकिन हरि निशांत की बात करें तो हरि निशांत ने ठीक ठाक बल्लेबाजी करी है, लेकिन कभी कभी नीचे बल्लेबाजी करते हैं, कभी कभी ऊपर करते हैं। जब ऊपर बल्लेबाजी करते हैं तो बढ़िया बल्लेबाजी कर जाते हैं, जब नीचे करते हैं तो नंबर ही नहीं आता या फिर फ्लॉप हो जाते हैं। कौन? कप्तान हरि निशांत। स्वप्निल सिंह की बात करते, पिछले 1-2 मैचों से इनके बल्ले से रन निकल रहा है, उससे पहले ये भी फ्लॉप हो रहे थे स्वप्निल सिंह भी। वाशिंगटन सुंदर की बात करें या एस सी अभिषेक की बात करें तो इन दोनों ने भी एक आधा मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करी है, बाकी सभी मैचों में ये भी फ्लॉप रहे। तो जो सिक्किम मदुरई पैंथर्स की बल्लेबाजी है ना, वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आधी अधूरी कहानी से, मतलब एक
मैच में एक आधा दो बल्लेबाजी बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, बाकी जो बल्लेबाज होते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो मतलब आधी अधूरी सी इनकी बल्लेबाजी चलती है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो जो इनकी गेंदबाजी है ना वो थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि गुर्जर पुनीत सिंह लगातार सभी मैचों में जबरदस्त गेंदबाजी करी, विकेट पे विकेट चटका, इसके अलावा किफायती भी रहे। अभी वॉशिंगटन सुंदर भी दो तीन मैचों से बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट निकाल रहे। पी सराउना ने भी दो तीन मैचों में बढ़िया गेंदबाजी करी। इनके अलावा अजय कृष्णा पिछले दो तीन मैचों से खेल रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ना ये भी बढ़िया गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे गुर्जर पुनीत सिंह के अलावा। हालांकि अभी दो तीन मैचों से इनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों बेहतर चल रही है। तो ओवरऑल जो इनकी परफॉर्मेंस रहती है ना वो ऐसी रहती है, कुछ प्लेयर बढ़िया करते हैं, कुछ प्लेयर बढ़िया नहीं करते, और अगले मैच में अगले कुछ प्लेयर बढ़िया करेंगे तो अगले कुछ प्लेयर बढ़िया नहीं करेंगे। इसीलिए ये एक मैच जीत रहे हैं, एक मैच हार रहे हैं, एक मैच जीत रहे हैं, एक मैच हार रहे हैं। आईडी त्रिपुर तमीज हाम्स की बात करें तो कुछ कहानी इनकी भी ऐसी है, कभी खुशी कभी गम वाली, कभी अच्छा करते कभी अच्छा नहीं करते। जैसे एस राधाकृष्णन की बात करें, जब से ये ओपन कर रहे हैं बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, सभी मैचों में रन बना रहे हैं, लेकिन तुषार रहेजा की बात करें शुरुआत में बढ़िया बल्लेबाजी करी थी, रन बना रहे थे, लेकिन अब ये रन नहीं बना रहे। अगर एस राधाकृष्णन रन बना रहे जो कि अभी इनको मौका मिला तो बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले तुषार रहेजा रन बनाते थे तो इनका दूसरा पार्टनर अच्छा नहीं करता, अभी एस राधाकृष्णन बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, बढ़िया शुरुआत कर रहे हैं तो तुषार रहेजा के बल्ले से रन नहीं निकल रहे। वहीं साई किशोर की बात करते, रवि श्रीनिवासन, साई किशोर पिछले दो तीन मैचों से पता नहीं क्या खा के आए भाई साहब, ये बल्ले और गेंद दोनों जगह से बढ़िया परफॉर्मेंस करें। मतलब गेंदबाजी पुणे टूर्नामेंट की बात करें तो दो तीन मैचों में सही करिए या चार मैचों में सही करिए, बाकी मैचों में ना कर पाए, लेकिन पिछले दो तीन मैच से तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं और ठीक ठाक बल्लेबाजी करके जा रहे हैं। तो मतलब साई किशोर ऑलराउंडर वाली परफॉर्मेंस पिछले दो तीन मैचों से दे रहे हैं। लेकिन विजय शंकर की बात करें तो जो छह मैच खेला, छह मैचों में से तीन मैचों में बढ़िया बल्लेबाजी करी है, बाकी तीन मैच में फ्लॉप हो गए, एक मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी थी। मतलब कह सकते हैं एक मैच में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करी थी, दो मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करी, बाकी सभी मैचों में विजय शंकर फ्लॉप। और एक आधा मैच में राजेंद्र विवेक ने बढ़िया बल्लेबाजी कर दी थी, एक आधा मैच में बालाचंद्र अनिरुद्ध। बाकी एनएस चतुर्वेदी की बात करें तो अभी तक बिल्कुल फ्लॉप रहे थे, जो इनकी बल्लेबाजी है वो डगमगाई सी नजर आ रही है। बाकी गेंदबाजी की बात करें, पी भुवनेश्वरन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, मतलब लगभग सभी मैचों में, एक आधा मैच या दो मैच को हटा दिया, सभी मैचों में इन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करी, विकेट निकाले, किफायती रहे। एस अजीत राम ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी करी, एक आधा दो मैच हटा दिया जाता, इन्होंने भी सभी मैचों में विकेट निकाले, किफायती रहे। साई किशोर की बात करें तो इनका एक आधा मैच में अच्छी गेंदबाजी रहती है, एक आधा मैच में नहीं रहती अच्छी गेंदबाजी। बाकी त्रिलोंग नाग को पिछले दो तीन मैचों में मौका मिला, एक मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी, बाकी सभी मैचों में फ्लॉप। अली राज कुरप्पा स्वामी की बात करें तो लगभग ये सभी मैचों में फ्लॉप रहे, एक भी मैच में इनको विकेट विकेट ना मिला, तो इनकी जो गेंदबाजी है ना वो भी बहुत ज्यादा दुरुस्त नहीं है। एक दो गेंदबाज या तीन गेंदबाज बढ़िया कर रहे हैं, बाकी जो गेंदबाज होते हैं उनका भरोसा नहीं होता, कभी अच्छी गेंदबाजी करते हैं कभी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाते, इसीलिए छह में से सिर्फ दो ही मैच जीते, चार मैच हार गए। अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपेरिजन करें तो यहाँ पे जो टीम है सिक्किम मदुरई पैंथर्स की, इन्होंने भले ही एक आधा मैच ज्यादा जीता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे बराबरी के नजर आ रहे हैं। दोनों टीमों की जो परफॉर्मेंस है ना एक ही थैली के चट्टे बट्टे जैसी नजर आ रही है। तो भाई लोग आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम है जो मैच उड़ा के ले जाएगी, चलो वही जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले यार भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, और कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना, मैं तो आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई होता है। यार भाई का सपोर्ट जरूर करें, करना कुछ भी नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं ना। तो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद अगर हम इस मैच की बात करें, जो मैच है ना मुझे 50-50 नजर आ रहा है, 50 सिक्किम मदुरई पैंथर्स और 50 आई डीम त्रिपुर तमीज हाम्स। लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना सिक्किम मदुरई पैंथर्स अपने नाम पे कर सकता है। लेकिन इसके साथ मेरा टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको पता है TNPL के अलावा ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, T20 ब्लास्ट भी चल रही है, मेजर लीग क्रिकेट 2023 ये भी स्टार्ट होने वाली, तो इन सभी मैचों की जबरदस्त प्रेडिक्शन कहां पे मिलेगी, मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो भैया जरूर ज्वाइन करें, बस एक चीज का ध्यान देना, फेक से बचना, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और कैसे ज्वाइन नहीं करना, जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पे जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।